ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और उन बदलाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। अगर आप ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान सही मात्रा में पानी नहीं लेती हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाना। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में पानी की कमी होने पर आपको सिरदर्द, मिचली, मरोड़, हाथ पैरों में सूजन एंड चक्कर आना जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती है। और इसके अलावा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें बेबी रहते हैं, उसका भी जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ट्वींस प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में पानी सही मात्रा में लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो आपको कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं एंड इसके अलावा आपको जो है टाइम से पहले प्री मेच्योर लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप ट्वींस प्रेगनेंसी में डेली सही मात्रा में पानी लेती हैं, तो आपको सीने में जलन, कब्ज, एसिडिटी एंड गैस एंड मिचली, इन सारी समस्याओं में बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगी। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि जब आप सही मात्रा में पानी लेती हैं, तो आपकी यूरिन में पानी की अच्छी मात्रा बनी रहेगी, जिससे आपको इन्फेक्शन के चांस भी बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। पानी आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है एंड इसके अलावा ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी नॉर्मल बनाए रखता है। तो आपको पूरे दिन में कम से कम 4.25 लीटर पानी पीना ही चाहिए, क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है, ये आपकी सिंगल प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी है, तो इसमें पानी की डिमांड भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये जो 4.25 लीटर पानी की डिमांड होती है, ये आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको पानी से ही पूरा करें, आप इसको जो है अन्य तरह पदार्थों से भी पूरा कर सकती हैं। 4.25 लीटर का मतलब होता है कि आपको पूरे दिन में कम से कम 14 से 16 गिलास तरल पदार्थ का सेवन जरूर करना है। जैसे आप जो है जूस ले सकती हैं एंड आप नारियल पानी एक डेली ले सकती हैं, और आप ऐसे फलों का सेवन करें जिसमें कि पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि तरबूज, खीरा एंड सिंगाड़े, संतरा एंड मौसमी का भी सेवन जरूर करें। और आप जो है दूध है, मट्ठा है, और आप ऐसा भोजन करें जिसमें कि पानी की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जैसे कि आप सूप, सलाद एंड आप दही बिल्कुल ले सकती हैं। और आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपको जूस कभी भी पैकिंग वाला नहीं पीना है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगी। तो आप कोशिश करें ताजा जूस निकलवा कर ही पिएं। आप जो है संतरे का जूस एंड मौसमी का जूस एंड अदर, इसके अलावा आपको जो भी पसंद है आप बिल्कुल पी सकती हैं। आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना है, और आपको पानी एकदम से इकट्ठा बिल्कुल नहीं पीना है, आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिप सिप करके ही पीना है। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से आपका एकदम से पेट भी नहीं भरेगा और आप बहुत ही आसानी से पी पाएंगी। एंड इसके अलावा अगर आपको पानी सादा नहीं पसंद आता है, तो आप उसमें एक नींबू का टुकड़ा डाल दें और आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें एंड उसके बाद में उस पानी को पिएं, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा। और इसके अलावा आप पानी में कुछ धुले हुए पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल के ले सकती हैं, इससे भी आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पुदीने वाला पानी लेती हैं, तो आपको जो मिचली की समस्या होती है उसमें भी बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और आप एक बात याद रखें कि आपका जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, तो आपको बार बार एंड जल्दी जल्दी यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा, तो आप ऐसा ना करें कि यूरिन ना जाना पड़े, इस वजह से आप जो है पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना करें। आपको जो है रात के समय बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। जब आप यूरिन पास करने जाती हैं, अगर आपकी यूरिन का कलर हल्का पीला या फिर ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, तो आप समझ जाएं कि आप पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में ले रही हैं। अगर आपका जो है बहुत ही गहरा पीला रंग आता है, तो आपको जो है तुरंत ही बहुत ही अच्छी मात्रा में पानी लेने की जरूरत है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको सही मात्रा में पानी पीने के बाद भी लगातार चक्कर आते हैं एंड बहुत ही कम मात्रा में यूरिन आती है, तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत जरूर दिखाना है। और अगर आप बाहर काम करती हैं, तो आपको हमेशा पानी की बोतल अपने पास रखनी है और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी का सेवन जरूर करना है।
ट्विन्स प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो आप प्लीज पानी की मात्रा कम करके नए कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने की कोशिश ना करें, इसलिए पानी अच्छी मात्रा में जरूर पिएं। और ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।